हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे गाइस कि आखिर दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स क्यों हैं, अलग अलग टाइम क्यों हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये बात समझने के लिए गाइस, अभी आप लोगों ने पीछे से फॉलो किया होगा तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन वाला लाइन है 0 डिग्री पे, और इसके जितने भी पैरेलल लाइंस हैं उनको हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, इनके पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने लगातार ना सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड, कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स थे जिनके बारे में हमने बात की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिका सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये किसके रेस्पेक्ट में था? इक्वेटर के रेस्पेक्ट में था। ठीक है, क्योंकि हमने लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में था, वहां पे हमने इसका कुछ मतलब देखा कि ये हमारे काम आती है। अब गाइस जो कुछ भी लॉन्गिट्यूड है ना वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल है। अब लॉन्गिट्यूड हमारे लिए किस लिए सिग्निफिकेंस क्रिएट करती है वो बात अब सामने आ गई है, और उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो टाइम डिफरेंस है दुनिया का वो कैसे चलता है। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं। ये पूरी चीज गाइस 360 डिग्री है। ओके, ये पूरा अर्थ जब एक रेवोल्यूशन एक रोटेशन जब क्रिएट करता है गाइस या कंप्लीट करता है तो कितना टाइम कितना कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, कितना कवर करता है गाइस टोटल? 360 डिग्री। और हमने जो अपना टाइम सेटअप बनाया है, घड़ी जो उसको बोलते हैं टाइम, उसमें 24 आवर्स है। ठीक है, तो 24 आवर से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं गाइस तो मुझको आंसर आएगा 1515 डिग्री। इसका मतलब साफ है कि 15 डिग्री इन 1 आवर। अगर 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रहा है ना, ये भाई 360 डिग्री का रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितना टाइम लगा? 24 आवर्स लगा। तो 1 आवर में कितना घूमेगा? तो गाइस ये 1 आवर में कितना घूम चुका रहेगा? ये इतना 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री का मूवमेंट लिया रहेगा उसने। तो इसी के लिए गाइस मैंने ना स्टार्टिंग में देखो ये 15 का डिफरेंस लिया था। यानी अभी बात देखो, बात क्या होती है 15 डिग्री वाली, उसको समझो। यहां पे देखिए 180 है, यहां पे 1, यानी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, यानी कोई भी कंट्री यहां है और कोई कंट्री यहां है या फिर कोई पॉइंट यहां है, तो इन दोनों के बीच में ना गाइस 1 आवर का डिफरेंस होगा, 1 आवर का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज है जैसे इंडिया ही है गाइस, वहां पे ना एक ही कंट्री में ना दो डिफरेंस डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में ना तकरीबन 16 से 17 डिग्री का डिफरेंस है। खास करके जब हम महाराष्ट्र और यहाँ पे साउथ ईस्ट हमारे स्टेट्स है ना, आसाम वगैरह, नॉर्थ ईस्ट सॉरी, तो उनके बीच में 19 डिग्री का डिफरेंस है। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए था इन इनकी घड़ी में जो मुंबई में रह रहे हैं और जो आसाम वगैरह में रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। फिर वो कंट्री की कन्वीनियंस के लिए ना फिर वो सारी हम लोग ने पूरे, पहले देखो हमारे कंट्री में डिफरेंस था, आधे घंटे का डिफरेंस था कोलकाता और मुंबई के टाइम के डिफरेंस में, बट धीरे धीरे कंट्रीज ने ना ये सब सिंप्लीफाई कर दिया और अब पूरे कंट्री में ना एक ही टाइम जोन चलता है। लेकिन अमेरिका में ना गाइस, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, यहां से यहां तक ऐसा फैला हुआ है, वैसे रशिया भी है, यहां से यहां तक ऐसा पूरा रशिया फैला हुआ है। तो इन लोगों के पास अभी एक ही टाइम जोन रखने का मतलब उतना कन्वीनियंट नहीं है, लोग महसूस करेंगे। यहाँ पे 20-20, 30-30 डिग्री का डिफरेंस है गाइस एक ही कंट्री के बीच में, तो 30-30 डिग्री का डिफरेंस है, इसका मतलब 2 घंटे का उनके बीच में डिफरेंस है। तो उन लोग ने अपना टाइम सेटअप ऐसे डिजाइन कर रखा है। ठीक है, तो आओ वापिस से थोड़ा सा और टॉपिक को समझ लेते हैं। क्या था? 15 डिग्री का डिफरेंस होगा तो 1 आवर का डिफरेंस होगा। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे इंडिया है यहाँ पे और यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। ये 90 यहां से ये 30 डिग्री पे, इन टोटल 60 डिग्री का डिफरेंस है इंडिया और सऊदी अरेबिया में, राइट। तो इसका मतलब साफ है कि 4 घंटे का डिफरेंस होगा, क्योंकि 15 डिग्री के डिफरेंस में 1 आवर। देखो यहां से यहां आया 1 आवर, 2 आवर, 3, 4 आवर्स, 4 आवर्स का डिफरेंस है, खत्म, यही बात है। और दुनिया यहां से आगे चल रही है, यानी ये कंट्रीज आगे रहेंगी, यानी इंडिया में ऑलरेडी अगर दोपहर हो रही होगी तो अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ सुबह के 8 बज रहे होंगे। ऐसा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा नॉलेजेबल है। अब और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं और इस पॉइंट के, कोई भी बीच में से मैं दो रैंडम पॉइंट ले ले रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ ये 30 डिग्री पे है और ये 0 डिग्री पे है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में गाइस टोटल 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, और ये 2 आवर्स ये जो आगे होगा वो आगे होंगे कंट्री, जैसे ये यहाँ पे अगर सुबह के 10 बज रहे तो यहाँ सुबह के 8 बज रहे होंगे, ये दुनिया थोड़ी पीछे होगी इसके मुकाबले। वैसे थोड़ा सा तो साउथ अमेरिका में एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे, चलो अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका में देखिए गाइस, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये 135 पे, देखो कितने का डिफरेंस है, -60 और -135 है, तो टोटल 75 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 75 डिग्री। तो यहां पे आया 1 घंटा पीछे, 2 घंटा, 3, 4, 5, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 5 आवर्स का डिफरेंस हो
होने वाला है क्योंकि टोटल 75 डिग्री का डिफरेंस है। सो गाइस ऐसे दुनिया में टाइम जोन्स डिजाइन किए गए हैं लैटिट्यूड्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स में आती है, कभी कभी 15 मिनट पहले 15 मिनट 20 मिनट और आधे घंटे का भी डिफरेंस होता था गाइस इंडिया में भी, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं रह गया, अब इंडिया ने क्या किया है एक सिंगल आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रेस्पेक्ट में उसको बता दिया कि सबका कंट्री का टाइम एक ही होगा। लेकिन आप अभी भी अगर नोटिस करोगे तो हम जैसे नेपाल है थोड़ा सा यहाँ इंडिया से आगे है तो उसका टाइम आधा घंटा इंडिया से आगे है, यहाँ पे देखो नेपाल है, वही यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया से थोड़ा पीछे है, ठीक है। तो इनके इंडिया और इनके बीच में पाकिस्तान के बीच में हाफ एन आवर का डिफरेंस है, इंडिया पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी इंडिया में अगर 12 बज रहा है तो यहाँ 11:30 बज रहा होगा, ठीक है। अभी और इसको क्या बार बार की चीज को बताता जाऊं, बस इतना ध्यान रख लो कि इस पॉइंट में लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में अगर 15 डिग्री का डिफरेंस है दो डिफरेंट पॉइंट्स में तो वहां पे आपको 1 आवर का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, देखो ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों के बीच में 30 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ से यहाँ आप नोटिस करोगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस मिलेगा। और 45 डिग्री का अगर डिफरेंस हो गया दो पॉइंट्स के बीच में तो 3 आवर्स का मिलेगा डिफरेंस। सो जैसे ऐसे ही ना दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स डिफाइन किए गए हैं और ये एक बेस्ट तरीका है जिसको मैंने आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थैंक्स अ लॉट।